हेलो, कौन हेलो हेलो कौन मनाली। कौन हेलो कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ हेलो मनाली, अरे कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे? तू मनाली। अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। सुन्नी हनफी कैसे हो गया देवबंदी में? देवबंदी देवबंदी हुआ, जहन्नम में हुआ। ऐसा? हाँ और जो उसे सुन्नी कहे, हेलो बिदा फिन्नात, जहन्नमी है देवबंदी। जो उसे सुन अशरफ फेली तान भी जहन्नमी के ठेकेदार हैं। जो देवबंदी को आरिफ सुन्नी नासिर नाम कहे। भी जहन्नम में है। रशीद अहमद गंदगू जहन्नम में जल रहा है। खलील अहमद अम्बेट भी जहन्नमी है। देवबंदी मीन्स जहन्नमी पे तू कहता है गया है। सुननी है नबी, अच्छा, मैं कुछ बोलूं? अबे सुनो, तुम तो हफी हाफिज है ना, अगर के सूरह फातिहा का हाफिज है। अरे मैं कुछ हाँ बोलूं? क्या बोलेगा? अच्छा तू हाफिज है, बोला हाफिज अली असगर, तो कौन सा हाफिज है? हाफिज बिल फेल या हाफिज बिल खुआ? अरे मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? तुम पहले इस चीज को बोलो तब बोलो। हाफिज बिल फेल है ना, हाफिज बिल कुआ है। हाँ हाँ तो मैं बोलूं ना कुछ? हाँ, बोलो। ये तुमने कहा पहले कि मैं तो सुनो यार, सुन सुनो, लो, पहले कर लो। मुफ्ती अब्दुल वाहिद बोल रहे हैं ना, अब्दुल अहद, अबुल मुफ्ती बोलना हो बे। अबुल मुफ्ती बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। आपने कहा कि तुम्हारा थानवी गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। शेरे रजा अरे सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो यार। किससे नहीं, बात कर रहे? फिर शेरे हाँ रजा हाँ 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 मुजाहिद हाँ इस्लाम अच्छी अच्छी बात है। मुजाहिद इस्लाम है, बरेलवी का मुजाहिद इस्लाम है ना। जियाउल कादरी हाँ मालदा भी। जी, हाँ आपका बोलो पाँच छः मिस कॉल है, पाँच छः बोलो आपने बोलो। फ़ोन किया, तो आपने कहा कि अकाबिर उलमाए देवबंद को आपने जहन्नम ही कहा, वो सुन्नी नहीं है, ऐसा ना? हाँ उलमा फिर कैसे है? उलमा मैंने ही कहा, नहीं कहा ना? उलमा कैसे हो सकता है? हाँ जो आलिम तो हमारे जो बरेलवी हैं वही उलमा है। देवबंद अच्छा, बाकी में, जी, आले खब्बीस में, उसके बाद गैर मुकल्लिद में, कादियानी में कोई आलिम नहीं हो सकता है। क्योंकि अच्छा आलिम ठीक की है। तारीफ क्या है? डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आलिम? हाँ, देवबंदी कादियानी में कोई हाफिज आलिम नहीं हो सकता है मुल्क ना? का जो वारिस बने वही आलिम है। तो अरे यार, देवबंद के मौलवी सामने नबी वाले के इल्म को नहीं की मानता है? मुफ्ती अब्दुल अहद देवबंद के साहब। नबी, देवबंद के मौलवी मुल्ला लोग, देवबंद के लोग नबी के इल्म को नहीं मानता है। अच्छा, एक काम करें ना, इसमें मुफ्ती अब्दुल अहद आले साहब, कादिर को नहीं मानता है, इसमें मुफ्ती गैर नहीं अब्दुल अहद मानता साहब, है। मुफ्ती अब्दुल अहद साहब। कान के इल्म को नहीं मानता है, तो जी उनको जी जी ये जी वरासत नहीं मिलेगी नबी के इल्म में, जी जी तो जी कैसे आलिम होगा देवबंद के लोग? जी तो मुफ्ती अदर अब्दुल हाद साहब, क्या आप इसकी सलाहियत रखते हैं कि 2 मिनट आप बोलें, 2 मिनट मैं बोलूं? क्यों? अगर आप हमें मुसलमान नहीं मानते, आप मुसलमान हैं और आप हक पर हैं, तो आप, आपके अंदर हिम्मत है कि आप 2 2 मिनट तय करके अली असगर से बात कर सकें? मैं हिदायत के लिए आया हूँ, तो मैं हिदायत के लिए फोन किया हूँ तुम्हारे सुनने के लिए। सुनो पहले तो, तो मतलब आप समझा? मेरी कुछ नहीं सुनेंगे? हाँ तुम सवाल कर सकता है, पूछ सकता नहीं, है। आपकी बात का मैं जवाब दे नहीं सकता हूँ? आप कुरान हदीस समझा नहीं सकते, आप नहीं, समझ मैं सकते कुरान हैं? हदीस से नहीं समझाऊंगा आपको, आपके घर समझाऊंगा मैं। आपको समझना होगा, आप मेरे से सुनिए, हाँ बिल्कुल सही समझिए, बात है, पूछिए। बिल्कुल सही बात है, आप भी मुझे समझाएं और अब हाँ मैं भी आपको दलाइल से जवाब दूं आपकी बात का, ठीक है? आप जाहिल आदमी में आलिम को दलाइल देगा, नहीं, अगर बोलो आपकी, सही मेरी बात बोलिए। सुनना, हाँ मेरी बात सुनना मुफ्ती अब्दुल अहद साहब, अगर हाँ आप अपने आपको हक मानते हैं, अकबर मानते हैं, और आपका धर्म बातिल गुमराह कुफरिया नहीं है, तो और आपके पास दलाइल के अंबार है, तो क्या वजह है कि आप 2 2 मिनट तय करके मुझसे बात नहीं कर सकते? इसकी वजह ज़रा बताएंगे आप? मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप कोई मसला शरी मसला मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से दलील दे कुरान नहीं सुनाए, क्योंकि उसके आल नहीं है आप, समझो? अब मेरा नंबर क्या है, ब्लॉक कर दिया डर से। हाँ मैं बोलूँ कुछ, बोलिए। मैं कुछ बोलूं? आपने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं आपके नज़दीक, इसीलिए हम हाँ कुरान और इसलिए हदीस से मैं फिर सुन नहीं रहे हैं, मेरे आप नजदीक तो फिर है सुन नहीं कुरान रहे और हैं। इसके। अजीब है यार, आप सुन ही नहीं रहे, क्या बात है? आप क्या, आप मुफ्ती होकर के एक हाफिज कुरान जिसे आप काफिर कहते हैं, उसके उसका जवाब देने की हिम्मत आप में नहीं है? कैसे अहले हक हैं आप, कैसे अहले हक हैं आप, और कैसे मुफ्ती हैं आप, और कैसे आप सुन्नी हैं? देखिए आप फिर गलत बोल रहे हैं। मैंने आपकी तकफीर नहीं की, आपको काफिर नहीं कहा मैंने।
अगर आप अशर फेली को मुसलमान मानते मानता हूँ ना, अगर को मुसलमान मानते हैं तब जी, आप काफिर हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, अल्लाह के वली मानते हैं हम उनको, क्योंकि मन शक्का थी अजाबी और कुफरी फकत कफर। आप उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, इबारत ही सही पढ़ नहीं पा रहे हैं, सही पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है, तो आप जब अगर अपने आप को अहल हक मानते हैं और आप अहल इल्म हैं, अबुल मुफ्ती हैं, तो क्या वजह है जिसके जिसको आप काफिर मानते हैं और उसको आलिम भी नहीं मानते, उसके धर्म में उसका धर्म में हाफिज भी नहीं मानते, ऐसे शख्स के आप से बात करने से डरते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं, जवाब सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है आप? हैं, जब एक यहूदी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें तुम्हारी किताब से, तौरात से ही तुम्हें काफिर साबित करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कहा नहीं, बल्कि एक यहूदी काफिर का जवाब लेने की अल्लाह ने तमन्ना जाहिर की, ख्वाहिश जाहिर की। तो अगर तुम नबी अलैहि वसल्लम को मानते हो, आशिक रसूल हो, सुन्नी हो, अहले हक हो, तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर मद्दे मुकाबिल और मुखालिफ का जवाब देने के लिए हिम्मत क्यों नहीं पैदा करते तुम? तुम्हारा ज़र्फ़ उसी क्यों नहीं है? तुम्हारा ज़र्फ़ तंग क्यों है इतना? हम ही अहले हक है, हम ही जन्नती। ठीक है ठीक है, जो दावा करना है करें आप, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दावा हर आदमी कर सकता है, क्योंकि यहूदी और नसारा ने भी कहा, दावा किया, वकालू लन यदखुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन अव नसारा। यहूदी ने भी कहा जन्नती मैं हूँ और कोई नहीं, नसारा ने भी कहा जन्नती मैं हूँ और कोई नहीं है। ठीक है, ये जन्नती होने का दावा करना यहूदी नसारा का तरीका है, ये सहाबा का तरीका नहीं, नबी का तरीका नहीं, बल्कि हंजला रज़ी अल्लाह तआला तो अपने आप को मुनाफिक कहते थे कि मैं हंजला तो मुनाफिक हो गया, इतना खौफ अल्लाह का, आखिर तो इतना खौफ है, और ईमान सलब होने का इतना खौफ, लेकिन आपके अंदर ना ईमान सलब होने का खौफ है, बल्कि आप तो दावा ही करेंगे, और दावा करने वाला अहले हक नहीं होता बल्कि यहूद नसारा होता है जन्नती होने दावा करने वाला। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहली बात तो ये है, हमारे अकाबिर के मुतालिक कहा कि हमारे अकाबिर काफिर हैं और जहन्नमी हैं, जहन्नम में जल रहे, आपने कहा, ठीक है ना? तो मैं, आपने कहा आप कुरान हदीस दलील दे नहीं सकते, चलो ठीक है, मैं कुरान हदीस दलील नहीं दे रहा हूँ, कम से कम आप अपने मुजद्दिद को मानते हैं ना, मुफ्ती अब्दुल हस साहब, आपके आला हजरत आप मानते हैं ना? हेलो, मुफ्ती अब्दुल अहद साहब, अबुल मुफ्ती साहब, मुफ्ती गर साहब, क्या आप अपने आला हजरत को नहीं मानते? हाँ, तो हदाय के बख्शीश के अंदर जो आपके आला हजरत की किताब है, हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 81 है, वो कह रहा है खुदाई कहार है गज़ब पर खुले हैं, खुदाई कहार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। यानी आपके आला हजरत कह रहे हैं कि वो अजाब में है। जिस अकाबिर उलमाए देवबंद को आप जहन्नमी कह रहे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, आपके घर से नूर बख्श तवक्कली ने वली माना है उनको, ठीक है, तो आपके आला हजरत कह रहे हैं कि वो अजाब में है, आपके आला अजाब में है, और आपके आला से मुतालिक अहकाम शरीयत के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके आला हजरत की ज़बान व कलम से नोखता बराबर ख़ता हो नामुमकिन बना दिया है, और उनके जुमले में, उनके अल्फाज में, उनके कौल में जो है आपके वसूल के मुताबिक जो है वो ख़ता नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं अजाब में हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा आपका मुजद्दिद ने हक़ फरमाया वो अजाब में है, और हमारे अकाबिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में है। दूसरी बात, आपने कहा कि अब अहले सुन्नत कैसे हो गए, ये फतवा मेहरिया है पीर मेहर साहब, जिसे आपके जाल हक के अंदर अहमद यार खान नईमी साहब ने मोतबर माना है, रहमतुल्लाह अलैह कहा है, उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है, मेरे ख्याल में फरीक़ैन अजमत उलमा इकराम मुतनाज़ईन अहले सुन्नत व जमात में से हैं, यानी देवबंदी बरेलवी दोनों को अहले सुन्नत मान रहे हैं पीर मेहर साहब। तो बताएँ मुफ्ती अहद साहब, आप सुने पहले जिहालत मत बको हाफिज होकर, आपने कहा कि सरकारे आला हजरत करके शेर पर एतराज किया है ना? मैंने एतराज नहीं किया कि सरकारे आला हजरत ने फरमाया, आपने शेर में लिखा आपने हाँ कि खुदा का हार है गजब पर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नक्शा खींचा उन्होंने, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का हार गजब में है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह तबारक ताला की शान में मुफ्ती हो करके और मुफ्ती घर का दावा कर रहे हो, अबुल मुफ्ती कह रहे हो, अल्लाह तबारक ताला गज़ब में कह रहे हो, नौज़ मुदब्बिर मुसन्निफ मुहर्रिर
इमाम इश्क मोहम्मद इमाम मोहम्मद खान मुफाजिले बरेलवी मुहद्दिसे बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदा आत्मा ने मैदान महशर की नक्शा कशी कही है कि मैदान महशर में ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा और हम गुनाहगारों की शफात रसूल फरमाएंगे। तो किसी अगर हम अपने को गुनाहगार कहें, हमको काम कहें, तो इसका मतलब नहीं हम गुनाहगार हैं। आज इसे इनके सारी भी कोई चीज होती है। अल्लाह के रसूल जन्नत के मालिक है कि नहीं? फिर भी सारी सारी रात जाकर आप इबादत करते थे, इबादत और रियाजत करते थे, यहाँ तक कि आपके कदम अकदस में वर्म आ जाता था। हजरत माँ सिद्दीका फरमाती, या रसूल अल्लाह रात को कभी आराम भी कर लिया कीजिए। अल्लाह ताला ने भी फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम लैला इल्ला क़लीला, समझा? हाँ, तो सरकार तो जन्नत की नहीं थे, जन्नत के मालिक थे, उसके बावजूद आप इतनी इबादत करते थे, इतना रोते थे अल्लाह के दरबार में। तो तुम कहोगे कि सरकार गुनाहगार के अस्तक पर, जैसे तुम्हारे मुल्ला जैसे वाशर रफीली ने कहा सरकार को गुनाहगार बताए देते, तुम वही कहोगे, है ना? अरे मुल्ला, तुम चलता है एक शेर रजा से, शेर रजा से, और तुम आशिक रसूल और सरकार आला हजरत के दीवाने से बहस करने चला जाए। जवाब दो, जवाब दो जनाब, मुफ्ती अब्दुल हसन, जवाब दूं मैं? तुम अशर रसूली की कबर खोद के देखो। मैं जवाब दूं जनाब? आप मुफ्ती हैं, आप अपने आप को अहले हक कहते हैं, सुन्नी कहते हैं, अबुल मुफ्ती कहते हैं, एक हाफिज कुरान का जवाब तो लें। जवाब दूं मैं? अरे भाई जवाब दूं मैं? क्या जवाब देगा एक जाहिल, जवाब देगा बबुल मुफ्ती को? आपके आपके दावा का जवाब दूंगा, आप जो ने दावा किया है उसका जवाब दूं मैं। जवाब दूं? जवाब दूं जनाब? मुफ्ती अब्दुल हसन साहब जवाब दूं? इतना फोन करते हैं आप, कम से कम हिम्मत तो रखें, सामने वाले का जवाब तो लें, कहीं ऐसा तो ना हो कि आप खता में। अरे मैं जवाब दूं अब्दुल हसन साहब? जवाब दूं मेरे रजा के सामने नहीं? मुफ्ती अब्दुल हसन साहब जवाब दूं मैं? क्या जवाब देगा, दो जवाब। हाँ माशाल्लाह, आपने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खताया हैं, उसके बावजूद भी रात रात भर रोते थे, इस्तगफार करते थे। अम्मी आयशा रज, बल्कि मैंने ये भी कहा कि आप जन्नत के मालिक। हाँ हाँ, जन्नत के मालिक भी हैं, बिल्कुल सही बात है। लिवाहुल हम्द अल्लाह के नबी सल्लम के हाथ में होगा, जन्नत की कुंजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अल्लाह तबारक व तआला देंगे, तो ठीक है, सही बात है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं ऐसा नहीं फरमाया कि मैं अजाब में हूँ, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आपके आलात ने कहा कि मैं अजाब में हूँ, मैं अजाब में हूँ। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तगफार किया, तवाज़ू किया, ये तो अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ। ये तवाज़ू नहीं सिर्फ, बल्कि अल्लाह की शुक्रगुजारी है नियमतों का। तो ये यहाँ पे तो अल्लाह के नबी सल्लम कहीं ऐसा नहीं कहा, आप हदीस बताएं कि अल्लाह के नबी से कहा कि मैं अजाब में हूँ, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन आपके आला हजरत ने अजाब कहा कि मैं अजाब में हूँ, तो आपके आला ज़बान से ख़ता हो नहीं सकती, आपकी किताब कह रही है। दूसरी बात, आपने कहा हम ही जन्नती हैं, कहा ना आपने? हम ही आले हक, हम ही जन्नती। हाँ 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 हाँ, ये आपकी किताब है मुअल्लिम तकरीर, यानी नई तकरीरें, अहमद यार खान नईमी साहब की किताब है। सफ़ा नंबर 107 में लिखते हैं, कोई नेकी वाला, कोई मुसलमान अपने मुतालिक जन्नती होने का फ़ैसला नहीं कर सकता। तो जो जन्नती होने का फ़ैसला करे, दावा करे, वो जन्नती नहीं बल्कि यहूद होगा या नसारा होगा, क्योंकि कुरान ने फरमाया वक़ालू लन यदखुल जन्नत इल्ला मन काना हूदन अव नसारा। जन्नती होने का दावा करना यहूद और नसारा का तरीक़ा है, अल्लाह ने फरमाया। मुसलमान जन्नती होने का दावा नहीं कर सकता, वो हमेशा डरता रहता है कि कहीं मैं जहन्नमी नहीं हूँ, कहीं मैं जहन्नमी तो नहीं हूँ। हैं, जिस तरह हनजला रज़ी अल्लाह तआला अपने मुतालिक निफाक निफाक का ख़तरा किया, मुनाफिक होने का खौफ पैदा किया, कि हनजला तो मुनाफिक नहीं हो गया, बाहर निकल गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने पूछा क्या बात है, कहा हनजला मुनाफिक हो गया, कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में होते हैं, जन्नत जहन्नम सामने होती है, लेकिन जब घर पर आते हैं कैफियत नहीं होती। सिद्दीक अकबर ने कहा ये कैफियत मेरे अंदर भी है। हैं, बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ये कहना दुरुस्त है या नहीं? किसने मना किया? जन्नती होने का दावा नहीं कर सकते तुम,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ये जुमला दुरुस्त है ना गलत है? तुमने कहा मैं जन्नती हूँ, हम ही जन्नती हैं। जाहिल सुनना, तुमने सिर्फ मुसलमान नहीं कहा, तुमने मुसलमान का नहीं कहा जन्नती होने का, मुसलमान का अपने आप को मुसलमान कहना फखर है, तो पर ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान को हक है कि अपने आप कहे हम मुसलमान हैं, लेकिन जन्नती होने का फैसला नहीं कर सकता, ये तुम्हारे हकीम उल उम्मत कह रहे हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ने जन्नत मुसलमानों को नहीं बताया, तो मैं मुसलमान नहीं बन सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं जन्नती हूँ, वाले को जन्नती हूँ कहना दुरुस्त है। तुम्हारा तुम्हारा जो अशर रुफेली है वो जहन्नम में है, इस्माइल दहलवी जहन्नम में है, कासिम लानत भी जहन्नम में है, खलील अहमद गंदागू जहन्नम में है। तुम लोग दलील क्या है, तुम देख कर आए हो, तुम देख कर आए हो, सच्चे रजा जन्नत में है, हम उनके दामन थाम कर जन्नत में जाएंगे, हम ही अहले हक है, हम जन्नती हो गया बस। तुम देख कर आए हो, मोहर लगा दिया इस पर जाओ। अरे तुम देख, तुम्हारा कहने से क्या होता है, दावा करना तो काफिरों का तरीका है, जन्नती होने का दावा करना यहूदी नसारा का तरीका है। फोन काटे भागा सामीन, देखें ये दावा करके भागते हैं लोग, इनके पास कोई दलील नहीं है, बस दावा। फोन काटे क्यों भागे, कम से कम तुम अपने आप को हक कह रहे हो, अहले हक कह रहे हो, मुसलमान कह रहे हो, जन्नत ने दावा कर रहे हो, सामने वाले का जवाब तो लो। ये हो गया हो गया। देखो सामने इनकी हालत देखें, फोन काट के क्यों भागे, फोन काट कर क्यों भागे, क्या जन्नती ऐसा, जन्नती ऐसा होता है क्या, जन्नती आशिक रसूल ऐसा होता है क्या, अपने आप को मुसलमान कहने वाला ऐसा होता है कि सामने वाले जिसे किसे काफिर समझ रहा हो उससे खौफ सदा होकर के शिकस्त खुर्दा होकर के फ़ोन काट के भागे, जो 10-10 मरतबा फ़ोन कर रहा हो, जब तुम्हारे औकात नहीं है, तुम्हारी मुफ्ती में कुछ सलाहियत नहीं है, तुम्हारी मुफ्ती में कुछ इस्तेदाद नहीं है, तुम्हारा मुफ्ती को अपने मुजद्दिद की किताब और अपने तुम्हारे मुफ्ती में अपने मुजद्दिद किताब पढ़ने की सलाहियत नहीं है, ना अपने मुजद्दिद किताब पढ़ा है वो, जब वो अपने घर की दलील से काफिर साबित हो गया कि कोई नेकी करने वाला मुसलमान अपने आप को जन्नती नहीं कह सकता, कुरान कह रहा है जन्नती होने का दावा यहूदी नसारा करता है, तुम अपने आप को जन्नती कह रहे हो, कुरान कह रहा है तुम यहूदी हो, तुम अपने आप को आशिक रसूल कह रहे हो, कुरान कह रहा है तुम नसारा हो, हैं क्या वो तो खाते रहो तुम, मैं पूछ रहा हूँ जन्नती होने का दावा यहूदी नसारा करता है, तुम्हारा मुफ्ती अब्दुल अहद ने जन्नती होने का दावा करके कुरान के फरमान का, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, कुरान के आयत के मुताबिक यहूद और नसारा तो हो सकता है, हो गया, लेकिन जन्नती नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुरान के खिलाफ बात कही है, अपने मुजद्दिद के खिलाफ बात कही है, और उसने हमारे अकाबर को जहन्नमी कहा, लेकिन उसके पास कोई दलील नहीं है। मौजू मत बदलो, टॉपिक मत बदलो, टॉपिक मत बदलो, टॉपिक मत बदलो, तुम्हारा मुफ्ती को ले आओ, ले आओ तुम्हारे मुफ्ती को, तो भागा फ़ोन काट के, तुम्हारे मुजद्दिद की तरह भागना तुम्हारी तुम्हारी जुर्रियत की खूबी है, तुम्हारी जुर्रियत की सिफत है। चलो फोन मत काटो, तुम्हारे मुफ्ती को लिया, तेरा मुफ्ती को लिया, तेरा मुफ्ती को लिया, ना लाइक आज का गोला, गालियां दे रहा है देखे सामीन, गालियां दे रहा है, गालियां देना तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है जो फहज की बदकलामी करे उसके असले में खता है, यानी किसी और के नुतफे से पैदा हुआ, अपने बाप के नुतफे से नहीं पैदा हुआ। फिलिस्तीन तो फोन क्यों कर रहा है तू, फोन क्यों कर रहा है तू, तो फिलिस्तीन के लिए दुआ करनी, बता फिलिस्तीन वाले देवबंदी बरेली, बता फिलिस्तीन वाले देवबंदी हैं बरेली, बता ए गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, मुझे बता फिलिस्तीन वाले देवबंदी हैं बरेली है। मैं पूछ रहा हूँ फिलिस्तीन वाले देवबंदी हैं या बरेली हैं, सामीन देखे फिर भागा फोन काट के, फिर भागा फोन काट के, देखें देखे देखें क्लास में है ज्यादा मत, तो फोन तू क्लास में है तो मैं भी क्लास में था, क्यों 10 मरतबा तूने फोन किया बता, अपना फोन किसी को क्यों देता है रुसवा, अगर फोन दिया है तो जवाब दे मेरा। तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा हकीम उल उम्मत कह रहा है कोई नेकी वाला मुसलमान अपने आप को जन्नती होने का दावा नहीं कर सकता, और तुम्हारा मुफ्ती ने जन्नती होने का दावा किया है, और कुरान कह रहा है जन्नती होने का दावा यहूद और नसारा करता है, मुसलमान नहीं करता, तो तेरा मुफ्ती जन्नती होने का दावा करके यहूद और नसारा हो गया, और तुम्हारे धर्म के मौलवी यहूद और नसारा होते हैं, ये बात वहाँ से हो चुकी। फिर भागा फ़ोन काटे सामीन देखे, फिर भागा फ़ोन काट के, हराम खोरो क्लास में है मरदूद, जब दूसरे को फ़ोन करते हो 10 मरतबा फ़ोन किया तो उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी क्या कौन सामने वाला क्या कर रहा है, फारिग है नहीं है, बार बार फोन कर रहे थे, नंबर लिख लिया,
फोन क्यों काट रहा है तू? फोन क्यों काट रहा है? तूने फिलिस्तीन वाले का नाम लिया है कि फिलिस्तीन वाले ऐसा हो रहे हैं, ऐसा हो रहे हैं, फिर तुम्हें अगर इतना दर्द है तो तुम फोन क्यों कर परेशान करते हो दूसरे को? क्यों परेशान करते हो? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने फिलिस्तीन वाले का नाम लिया है, मुझे जवाब दे, फिलिस्तीन वाले देवबंदी या बरेली? बता बता, फिलिस्तीन वाले देवबंदी या बरेली? बता जवाब दे। देखो सामीन, मेरा जवाब नहीं दे रहा है, तेरे मुफ्ती में ये औकात नहीं है, हिम्मत नहीं कि मेरा जवाब दे। तेरे अंदर क्या औकात होगी? हैं, उसका चाटुकर तू है, मुफ्ती अब्दुल हद का चाटुकर है तू, तेरे अंदर क्या औकात होगी? तू कैसे जवाब दे सकता है मेरा, अली असगर का? तुम खबीसों को पता है अली असगर से बात करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे औकात में नहीं है, लेकिन रुसवा होने के लिए, अपने आप को काफिर साबित करने के लिए, तुम काफिर हो जानने के लिए तुम फ़ोन करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हेलो हेलो, हाँ, इतने देर से आप भगे जा रहे हो, हम कुछ सुने नहीं। देखो भाई, हाँ बोलो। पैसे मत करो, आप अपने मसलक पर चलो, हम अपने। ये तेरे मुफ्ती को क्यों नहीं बोलता तू? तेरे मुफ्ती को क्यों नहीं बोलता? फोन करता है मुझे, 10 मरतबा फोन किया, तेरे नंबर से फोन किया ना? हैं, सुनो, वो हमारा उस्ताद है, मैं ऐसे मामले में नहीं पड़ता हूँ। तो उसको समझाना तेरे उस्ताद को कि मुझे क्यों परेशान करता है वो, सुबह सुबह रोज आना फोन करता है, 10 मरतबा फोन करता है वो, क्यों फोन करता है वो? उसको जब मैंने कई मरतबा कुटाई कर दिया, उसकी पिटाई कर दिया, उसको काफिर साबित किया, भागा फोन काट के, फिर बेशरम बेगैरत बने क्यों फोन करते हो तुम हमारे हमारे को? तब तुम्हें उसको पता है पिटाई करना आपके बस की बात? अरे भागा ना तेरा मुफ्ती, भागा ना तेरा मुफ्ती, तेरा मुफ्ती, हाँ भागा ना। अरे भागने वाला टाइगर नहीं होता भाई, भागने वाला लुमड़ी होता है, लुमड़ी भागने वाला लुमड़ी होता है, टाइगर नहीं होता। टाइगर तो हमला करता है और जख्म करता है, शिकार करता है, कब्जे में लेता है, शिकंजा कसता है उसके ऊपर, लुमड़ी के ऊपर। लुमड़ी जो है वो भागने वाला है। चल मुझे जवाब दे, मुझे इसका जवाब दे, फिलिस्तीन वाले देवबंदियां बरेलवी, बता कौन फिलिस्तीन वाले देवबंदियां बरेलवी क्या है? नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। क्यों नहीं कह सकता तू? क्यों नहीं कह सकता? अगर वो बरेलवी नहीं है, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे बरेली क्या उरस में, सुनो तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे बरेली के उर्स में ऐलान किया कि अजमेरी हो, निजामी हो, अशरफी हो, कछुचवी हो, कोई भी हो, जब तक आला हजरत को नहीं माने मुसलमान नहीं। तब बता फिलिस्तीन वाले देवबंदी है बरेली, बता क्या तुम्हारे आला हजरत को मानते हैं वो? अगर नहीं मानते हैं तो उसके लिए दुआ करने के लिए कह रहे हो तुम, जबकि फिलिस्तीन वाले मजलूम हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मासूम हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाह को मारा जा रहा है, मजलूमों को मारा जा रहा है, बेकसूर मारा जा रहा है, जालिम काबिज है उनके ऊपर, उनकी दुआ के जरिए से कम मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ, तुमने मुद्दा उठाया है कि तुम्हारा नज़दीक बिरलवी के देवबंदी, बताओ तुम्हारी ये भी औकात नहीं बताने की? जब तेरा मुफ्ती भागा है, तेरी क्या औकात है? अरे जाहिल हूँ मैं, दलील दे रहा हूँ तुम्हारे घर की किताब से, और तेरा मुफ्ती भागा है। मैंने तेरे घर के वसूल से तेरे मुफ्ती अब्दुल अहद को, जो अपने आप को कहता है मैं मुफ्ती हूँ, अबुल मुफ्ती हूँ, मुफ्ती घर हूँ, भाग रहे हो, भागा फोन काट के। अरे कई मर्तबा मुझसे फोन काट के भागा है, तूने फोन दिया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तू खुदकशी करेगा। तूने फोन मोबाइल दे करके मुझसे फोन करवाता है वो इस तो अपने नंबर से, और तू परेशान, खुदकशी करेगा। देखना तू, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तू खुदकशी करेगा। कोई मदरसा, मैं मदरसा में था, तू बार बार फोन कर रहा है, जब मैं उठा नहीं रहा हूँ, 10 मरतबा फोन किया, तुझे उस वक्त बोलना चाहिए ना कि कोई मसरूफ है फोन ना करो, अब परेशान हो रहा है, बोल रहा है फोन मत करो, हमारे उस्ताद ने फोन किया था, क्यों फोन देता है उसको? अब फोन दिया है, खुदकशी कर तू, तो क्यों फोन करता है? अब तेरे पास अपने अपने धर्म को, अब तेरे मुफ्ती के पास अपने धर्म को, अपने मुजद्दिद को जब मुसलमान साबित करने की औकात नहीं है, जवाब नहीं है उसके पास, क्यों फोन कराता है बता? क्यों बता? मैं पूछ रहा हूं, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है अपने धर्म को, अपने मुजद्दिद को मुसलमान साबित करने के लिए, क्यों दूसरे को फोन करते हो? क्यों परेशान करते हो सामने वाले को? क्यों फोन करते हो बार बार? 10 मरतबा फोन किया,
दस मरतबा फोन किया, अरे तुम तो यहूदी नसारा हो, तुम तो इसराइल से पैसा लेते हो, तुम्हारे यहाँ पैसा इसराइल से आता है क्योंकि तुमने यहूदी वाला दावा किया है। जन्नती होने का दावा यहूदी नसारा कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो, मुसलमान नहीं कर सकता। जन्नती होने का दावा यहूदी नसारा कर सकता है या तुम कर सकते हो। हम अहले सुन्नत देवबंद नहीं कर सकते जन्नती होने का दावा, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना व नऊजु बिका मिनन नार। हम जन्नत का सवाल कर सकते हैं, जहन्नम से पना मांग सकते हैं। ये हमारे तरीक़ा है। नबी अलैहि सलाम की नबी अलैहि सलाम का फरमान है, नबी अलैहि सलाम की सीरत सुन्नत है, लेकिन हम दावा नहीं करते जन्नती होने का दावा। यहूदी नसारा कर सकते हैं या तुम कर सकते हो। तुम्हारा जो लीडर है, हाँ, अशरफ अली थानवी, हाँ, इसकी मौत आई बाथरूम में, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तुम्हारी पूरी, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो, तुम्हारी पूरी जुर्रियत, तुम्हारी पूरी जुर्रियत, तुम्हारे आला हजरत से लेकर अदना हजरत तक, तुम्हारे, मेरी बात सुनो, तुमने एक बात कही है कि हजरत थानवी की मौत कहाँ आई, तुम्हारे आला हजरत से लेकर के अदना हजरत तक, बरेली से बदायूं तक, पलंग खास से लेकर हुजरे तक, सब इकट्ठा हो जाएं हजरत थानवी के इस बात पर, तुमने जो कहा अभी दावे पर, तुम दलील दे नहीं सकते। मैं दलील दूंगा, तुम्हारा मुफ्ती शाह अहमद नूरानी खुद बाथरूम में संडास में मरा है, ठीक है, तुम्हारा कौन मरा है, मुफ्ती शाह अहमद नूरानी कहाँ मरा है, बाथरूम में मरा है। किताब का नाम क्या है, ये कायदे मिल्लत नंबर सफा नंबर है, तुम्हारी किताब, तुम्हारी दलाइल कैसे हम मानेंगे, तुमको दे रहा हूँ ना, तुमको पर्सनल मैसेज करो, मैसेज करो, तुम्हारे को मैं भेजता हूँ, ये कायदे मिल्लत है, सफा नंबर 41 है, लिखा है रूम में ताखिर हुई तो काजी साहब ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा जल्दी कीजिए, उस पर उन्होंने मौलाना को कराते हुए सुना, जब देखा तो उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। बोलना भी नहीं आता, क्या है, क्या क्या बोले, रूम में कौन दाखिल हुई, रूम में ताखिर हुई तो काजी साहब ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा जल्दी कीजिए, उस पर उन्होंने मौलाना को कराते हुए सुना, जब देखा तो उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। मौलाना की साहिबजादी ऐजा दुबई से कराची आने के लिए तैयार में सवार हो चुकी थी, जबकि अमेरिका में मुकीम उनके साहिबजादे ओएस बार बार अपने वालिद मोबाइल पर बात कर रहे थे। वालिदा ने रोते हुए कहा, कह रही थी बेटा हम तुम्हारे पहुंचने तक बाबा को नहीं रख सकते कि अजीम इंसान के चले जाने पर उनके अरे खाना है। बोलने का मौका दो, इसलिए फोन काटा जाता है तुम्हारा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ बोलो बोलो। सऊदी से पैसा बाप का, नालक पैसा, क्या आराम का पैसा पा रहा, खाली बात ही करे जरा, अपनी बात ही रखे जरा। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है सऊदी का पैसा हम खाते हैं, कहाँ लिखा है, अरे तुम खाते हो सऊदी का पैसा, कौन हम, हाँ कभी नहीं, हम अहले सुन्नत खून पसीना बहा कर पैसा खा रहे। दलील दो, तुम नहीं खा, दलील दो, तुम नहीं खाते, दलील दो, तुम नहीं खाते, तुम रियाल नहीं खाते, दलील दो। जिसके यहाँ खाना नहीं होता, नंगे भुजारी फटीचर इतने आलीशान मस्जिद बनाते थे, बाप का पैसा सऊदी करने तो किसका बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी मस्जिद हमारी, हाँ सुनो, अब मेरी भी सुनो, हमारी मस्जिद से तुम्हें चिढ़ है ना, माशाल्लाह, ये तो अल्लाह तबारक तआला की नेमत है कि अल्लाह ने मस्जिद बनाने की तौफीक हमें दी है। तुम्हारा मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहता है तुम्हारे मुतालिक, पक्की होना शर्त नहीं है, मस्जिदों से चिड़ क्यों हो गया हमें, अल्लाह की है क्या, मस्जिद से मुसलमान को, मस्जिद से चिड़ होती है काफिरों को, मुसलमानों को नहीं, मस्जिद से हाँ? साढ़े 4 लाख है, कार गिफ्ट करता है, आईफोन मोबाइल लेता है, कौन यार, कंडीशन रूम होता है, कौन हाईफाई लिबास होता है, कलम 200 रुपए का होता है, जूते 250 रुपए के होते हैं, माशाल्लाह भाई, जाओ इस तरह देखो तुम्हारे देवबंदियत के फिरके बाजी, माशाल्लाह, ये मुद्दा इलाक पे भारी गवाही तेरी। और तुम क्या करते हो, हाँ सऊदी से पैसा गिरा बाप का, खा लिया, ऐश मस्ती कर लिया, उस वक्त गरीब की बेटी नजर नहीं आई, अच्छा होगी, अच्छा ठीक है, मेरी भी सुनोगे
अब आप सुनाओ। हाँ माशाल्लाह, तुमने कहा कि सऊदी से रियाल आता है, अच्छा बताओ, खामोश रहो, अब मैं बोल रहा हूँ खामोश रहो यार, खामोश रहो। क्या जो सऊदी में रहते हैं, जो सऊदी में रहते हैं और वहाँ रियाल खाते हैं, क्या काफिर हैं वो? काफिर क्यों होगा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, काफिर नहीं कर रहा हूँ। तो फिर रियाल रियाल खाते हैं लोग ना, रियाल खाते हैं ना लोग। हाँ तो क्या हुआ, तो तुमने खुद कहा अभी सऊदी का रियाल खाते हो, क्या हुआ अब, क्या हुआ तुम्हारे को, लगा हुक्म लगाओ। किसका हुक्म लगाए? जो सऊदी में रहते हैं और सऊदी के जो शेख होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं, उनकी मजदूरी करते हैं और वहाँ पे उनकी चापलूसी करके रियाल खाते हैं, क्या वो काफिर हैं? तीसरे को बुला रहा है, तीसरे को बुला रहा है, तेरा मुफ्ती भागा, तेरी औकात नहीं है, अब किसी और को, तेरे तू अगर मदरसे में ना, तेरे मदरसे के ये तुझे तू दूसरे मोतमिम कहता है या शेख, या शेख शेख कहता है उसको देना, शेखुल हदीस कहता है उसे ना, तू मदरसे में है ना तो तेरा मदरसे के मोतमिम हो, शेखुल हदीस हो, मुफस्सिर हो, मुफ्ती हो, उसको देना, तेरी औकात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी बस की बात नहीं है, अहले सुन्नत जमात देवबंद से टकराए। अच्छा देवबंद का माना क्या है? मैंने इधर उधर मत भागो, मैंने पूछा जो सऊदी में रहता है, चाहे देवबंदी हो बरेलवी हो, और वहाँ पे सऊदी की गुलामी करता है, रियाल खाता है, काफिर है वो? काफिर क्यों होगा वो? तो हमें क्यों, हम पर क्यों इतराज़ किया तुमने कि रियाल खाते हो, जबकि तुम्हारे पास दलील नहीं है? कुफर का फतवा लगाया तुम पर क्या, हम क्या के नाजायज खाते हो? अच्छा मतलब, अच्छा हराम मतलब, जो सऊदी में रहते हैं वहाँ पे वो रियाल खाते हैं, हराम खाते हो? नहीं नहीं, वो तुम ही लोग को देता है ना। नहीं मैं, मेरा मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, सुनो सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, ये सब मस्जिदों के बारे में, मस्जिद तो बनती कम कम, अपने पेट पुजारी ज्यादा करते हो। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? चलो अब मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ, अरे मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ, लिबास पहनाते हो, घुमाते हो बाजारों में और मजार जाने में इनकार करते हो। अरे मैं कुछ बोलूँ, अरे मैं कुछ बोलूँ, नंगे पैर नंगे कपड़े फटीचर की तरह, अरे मैं कुछ बोलूँ, अरे मैं कुछ बोलूँ, बाजार जाने में भी, अरे सामने वाले की सुनो सही, बोलो। हाँ ये मेरे पास किताब है, अजवाहिरुल तौहीद, अजवाहिर फी तालीमातिल गौसिया, अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी, तुम्हारे आलिम है, वो कह रहे हैं, सुनो सुनो, कि महज ग्यारहवीं वाला पीर समझकर उनके नाम पर ग्यारहवीं के रुकूम और नजराने हथियाना और ये नजराने पेश करवाना, जो शेख से अकीदत नहीं, महज मतलब बराबरी है, और आज किसी उनके मुरीद और मुतवसिरिन सिलसिला उनके औलाद होने के मुद्दई हजरात सिर्फ पेट भर रहे हैं, सिर्फ ग्यारहवीं पक रही है, पेट पूजा हो रही है, सफ़ा नंबर 73। बोलो तुम मुझे कह रहे हो पेट पूजा, तुम्हारा ग्यारहवीं है जो है, ग्यारहवीं ये पेट पूजा है तुम्हारी, तुम्हारा मौलवी कह रहा है अल जवाहिर तौहीद तौहीदिया फी तालीमातिल गौसिया, वो कह रहे हैं कि ये ग्यारहवीं शरीफ जो है ये सिर्फ ग्यारहवीं पक रही है, पेट पूजा हो रही है, हमें कह रहे हो पेट पूजा, मरदूत कहीं के, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। अरे देवबंद और तबलीगी जमात वो है जो अपने जेब और पेट से, पेट काट करके, जेब काट करके, अपने पैसे से जान माल, जान अपनी माल, अपना घर बार छोड़ करके, दुकान छोड़ करके, दूसरे की इसलाह के लिए, अपनी और दूसरे की इसलाह के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। तुम्हारी जरूरत में ये नहीं है, तुम्हारा मुजद्दिद तो रोज़े की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका, बरेली छोड़ करके जहाँ पहाड़ी इलाका ठंडक है वहाँ चला गया रोज़ा रखने के लिए, तुम्हारे यहाँ मुजाहिदा है, हैं तुम्हारे यहाँ मुशक्क़तें हैं जिनके मुतालिक, तुम्हारे यहाँ ये मुसीबतें बर्दाश्त करना है, तुम तो ऐश परस्त हो, तुम तो खाली पेट की पूजा करते हो, देख की पूजा करते हो, बेशर्मो कहीं के, कुछ आता होता है नहीं, जो तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में जहर घोला है वही जहर फैलाते रहते हो, है औकात तुम्हारे अंदर जवाब देने की? ना कोई दलील है तुम्हारे पास, अभी बोल रहा है हराम है रियाल खाना, तो तुम्हारे लोग कितने लोग वहाँ पे हैं सऊदी के अंदर रियाल खाते हैं, हराम खा रहे हैं सब, तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें ऐसा फंसाया है, जो भी एतराज़ देवबंद पर करोगे तुम खुद उसी के जिद में अगर खुदकुशी करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर भागा फोन काट के सामने।